नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल प्रदेश की न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की छोटी और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जिला प्रशासन द्वारा विगत कुछ दिनों पहले 11 प्राइवेट स्कूलों पर FIR कर अपराधियों को जेल भेजा गया था। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार निजी स्कूलों के संगठन अनिश्चितकाल स्कूल बंद करने की प्लानिंग बना रहे थे। जबलपुर के पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मध्य प्रदेश के अध्यक्ष सचिन गुप्ता एवं अभिभावकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर दीपक सक्सेना से सौजन्य भेंट की एवं चार बिंदुओं में लिखित मांग की गई। देखिए यह रिपोर्ट। देखिए, आज हमारा एक निजी स्कूलों की जो एक लूट का एक माहौल चल रहा था, उसके खिलाफ हम लोगों का एक प्रदर्शन था मालवीय चौक में, और इसमें लगभग हजारों की संख्या में अभिभावक एकत्र हुए थे। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जो एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था, उसके विरोध में स्कूलों के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी और अनिश्चितकालीन स्कूल बंद का आह्वान किया गया था। जैसे ही जानकारी अभिभावकों को मिली, अभिभावकों का गुस्सा बहुत था और आज सब ने एक प्रदर्शन किया और कलेक्टर माननीय कलेक्टर से अपनी बात रखी गई कि यदि ये स्कूल पे दबाव बना, ये स्कूल यदि माफिया लोग जो हैं ये अगर स्कूल को बंद करना चाह रहे हैं और ये डर का माहौल बनाना चाह रहे हैं, ये माननीय कलेक्टर महोदय को डरा रहे हैं और प्रशासन को डरा रहे हैं, ये दबाव बनाना चाह रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। पूरा शहर, पूरे अभिभावक, माननीय कलेक्टर महोदय, प्रेजेंट में जो शासन की जो कार्रवाई रही है उसके हम लोग सब लोग साथ में हैं, और यदि स्कूल नहीं खुलते हैं तो उन स्कूलों को हमेशा के लिए बंद किया जाए, उनकी मान्यता रद्द की जाए। हम लोगों ने एक ये मांग रखी गई और उसके बाद में हमारी नॉर्मल चार मांग और थी जिस पर कलेक्टर जी को हम लोगों ने अवगत कराया गया। उसमें से एक सबसे मेन मांग थी हमारी कि स्कूलों में तीन तरह की यूनिफॉर्म चलाई जाती है। आज हम सब ने स्कूल में पढ़ाई की है, एक यूनिफॉर्म पहन के हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की है। ये तीन तरह की यूनिफॉर्म चला रहे हैं, सोमवार को अलग लगती है, बुधवार को अलग, शनिवार को अलग, जबकि ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ये एक कमीशन खोरी है और सिर्फ दो जगह ड्रेस मिलती हैं। इस पॉइंट से हम लोगों ने कलेक्टर को जी को अवगत कराया और हम लोगों को बोला गया कलेक्टर साहब ने कि सिंगल एक यूनिफॉर्म चलेगी भविष्य में। इसके अलावा स्कूल बस की एक बहुत बड़ी समस्या, शिकायतें आ रही थी। एक स्कूल बस का जो किराया है वो 2000 से लेकर 2500 एक बच्चे से लिया जा रहा है, और 2500 में भैया हम बाय एयर सफ़र कर सकते हैं। आज के समय में 100 से 150 रुपये किराया बहुत होता है। इतना ज़्यादा इन लोगों ने अवैध वसूली का मतलब जाल फैला के रखा हुआ है कि कोई सीमा नहीं। ऐसी जो बुक का मुद्दा है, हमने अपने समय में एक बुक से, एक पाठ्यक्रम से तीन तीन भाइयों ने पढ़ लिया जाता था। आज सिर्फ पहला पेज दूसरा पेज चेंज कर देते हैं और पूरा बुक बदल जाती है, बच्चों पर लोड़ जाता है, परिवार पर लोड़ जाता है, हर साल सिलेबस बदल जाता है। तो एक सिलेबस कम से कम 3 साल चले। इन 4-5 मुद्दों पर हम लोगों ने कलेक्टर साहब को अपना ज्ञापन दिया, मीटिंग हुई है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी पूरी मांगें पूरी की जाएंगी। और अगर ये भी है कि हम कलेक्टर के साथ में अब भविष्य हम लोगों का अगला जो डेट है हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है, सोम या मंगलवार को कई गणना संख्या में 5 से 10 हज़ार हम लोग इकट्ठे होके फिर इन मांगों को लेके वापस एक बार बैठेंगे। अगर ये पूरी जाती है तो बहुत वेलकम, और नहीं होती है तो एक बहुत उग्र आंदोलन होगा। इसके लिए हर तरीके से हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। सरकारी स्कूल के लिए आप बोल रहे थे। सरकारी स्कूलों के लिए बोला गया है कि एक मौका है, ये अवसर है इन स्कूल तानाशाहियों के खिलाफ। अगर जनता भी, क्योंकि अभी तैयार हो रही है, हम सब सरकारी स्कूल में जाने को तैयार हैं। सरकार के पास एक अच्छा अवसर है, अपने स्कूलों को सही कर ले, व्यवस्थाएँ कर ले, एक बड़ा एक माहौल बन चुका है और लोग सरकारी स्कूल जाने को तैयार हैं। सचिन गुप्ता, पेरेंट्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट,